हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। चारों जो सेंटर्स हैं ट्रायंगल के, उसको एक साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर। इसके बाद दो तीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज संडे का दिन है, सुबह से ही मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी डेज़ मेरी क्लासेज होती हैं तो उसको हम लोग टाइम मिल नहीं पाता। तो आज हम लोग कंटिन्यू काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ज्योमेट्री को समझने में। तो देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लासेज में पढ़ाता हूँ, पहले चारों सेंटर्स में अलग अलग पढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद सभी सेंटर्स को हम लोग करते क्या है कि मिक्स जब होते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है 50% या 60% को। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आपने वो पढ़ा है चारों सेंटर्स, तो आपने अगर इस YouTube चैनल पर भी, अगर मेरे YouTube चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम आए, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। तो इन चारों सेंटर्स को हम लोग अलग अलग पढ़ने के बाद एक साथ पढ़ेंगे, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे, ध्यान देना। उसके बाद इसके दो तीन चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर इन पॉइंट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर वो होता है आर स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर का रूट। ये कैसे आया वो चीज़ भी मैं समझाऊंगा, और ऐसा सी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो पॉइंट भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि इन चीज़ों का आप लोग दो बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके समझ में आ गया वो तो मैं आपको समझाते चलूँ और थोड़ा सा अगर कोई चीज़ हार्ड है उसको स्किप कर दूँ, ऐसा पढ़ाने का तरीका नहीं होगा। जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, मैं अपने आप में ये मानकर चलता हूँ कि इस धरती की कितनी भी कोई भी चीज़, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी टफ हो, मैं आपको वो चीज़ समझा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा। हो सकता है एक बार में थोड़ी कम समझ में आए तो क्लास में मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार, दो या तीन बार तक बता देता हूँ। आप लोगों के यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोज़ बन रहे हैं, तो आप लोग करना क्या, उस चीज़ को दो बार तीन बार खुद ही रिवाइज करके देख लेना, और वो पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो ज्योमेट्री में आपकी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको मैं सोल्व कर सकता हूं। तो ध्यान रखना, पहले चारों सेंटर्स को एक साथ पढ़ाता हूं, चारों सेंटर्स एक साथ पढ़ने के बाद फिर मैं ये चीज़ें, जो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले आप लोग इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ पर इन सेंटर जो है अपने पास, कोई भी ट्रायंगल है, ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन और एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जहाँ पर मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। सेंट्रोइड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ये देखो, चारों सेंटर्स एक साथ पढ़ा रहा हूँ और मेरे वीडियोज़, ये वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियोज़ देखिए जिससे आपका पॉइंट क्लियर होगा। कभी भी वीडियो देखो बीच से नहीं देखना, कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ें बेसिक अगर क्लियर करना है, ये चैनल मैं बना रहा हूँ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, तो आप लोग एक नंबर से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपके समझ में नहीं आए, लेकिन वीडियो एक नंबर से आप लोग देखना, ऐसा मेरा तरीका नहीं है कि दो, एक ये चीज़ बता दी, इस पर बेस्ट क्वेश्चन दो करवा दिए, फिर ये मैं पढ़ा दूं, फिर दो तीन क्वेश्चन करवा दूं, उससे आपके यहाँ तो आपको समझ में आएगा क्योंकि पॉइंट पढ़ाया है और उसके बाद क्वेश्चन कर लिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करवाते टाइम मैं थ्योरी याद करवाते चलूँगा कि ऐसा मैंने बताया था, ऐसा मैंने बताया था, उससे आपके ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे और बेसिक भी क्लियर होंगे। यहाँ थ्योरी मैंने पढ़ाई, आप लोग खुद पढ़िए, फिर से खुद पढ़िए, तीन बार पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी मैं रिपीट करवाते चलूंगा थ्योरी को, तो आपके आसानी से वो याद हो जाएगी खुद ही। परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है, यहां पर ध्यान रखना, परिकेंद्र इस प्रकार से होता है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन,
इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन और इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। इनके बारे में काफ़ी सारा बेसिक मैं पिछले वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं चारों सेंटर्स में डिफरेंस क्या है। कुछ स्टूडेंट जो क्लास में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हो, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि सर ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है लेकिन साइड के मिड पॉइंट पर बना रहा है, साइड के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आगे जरूरी नहीं कि वर्टेक्स पर जाकर मिले। ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर मिले, दोनों में डिफरेंस। जो स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। ये वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। कुछ कंडीशंस में मिड पॉइंट पर जैसे आइसोसेलेस में और इक्विलेटर में मिलेगा, वो मैं आपको कॉन्ग्रेंसी पढ़ाने के बाद समझाऊंगा, उस पर आप लोग ज़्यादा घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से को लिखवाऊंगा। यहाँ पर मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामने वाली साइड पर जाकर जरूरी नहीं वर्टेक्स पर वो मिले। कुछ लोगों को लगेगा कि मिड पॉइंट पर तो यहाँ पर भी मिल रहा है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, ये ध्यान रखना। और ये तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो है कोण समद्विभाजक है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, अगर आपको याद है तो। और ए आई और आई डी का जो रेशियो, ये साइड अगर ए है तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, बी प्लस सी इज टू ए, और काफी सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। इसमें मैंने आपको समझाया कि यहां पर बना एंगल होता है अपने पास 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, जो चीजें मैंने रिपीट करवाई हैं उनको मैं एक बार बता रहा हूं। ये वीडियो मैं उन्हीं चीजों के लिए बना रहा हूं ताकि सभी आपको अच्छे से समझ में आए। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास अक्ष सेंटर होगा, आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास अक्ष सेंटर होगा, और अक्ष सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये अपने पास होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा, और यहाँ पर ध्यान रखना अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो बताया था क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा, आप लोग ये इन सेंटर के बारे में चीज़ें क्यों होती हैं, एक ही जगह क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्यों आता है, ये कैसे हुआ, हर चीज़ का बेसिक मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है, तो ये सिर्फ उसकी समरी है। और अगर आपको कंप्लीट लेसन देखना है तो पहले वाले वीडियोस आप लोग देखिए। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है, जो मीडियन आकर मिलती है माध्य, तो हमने आगे चलते हैं हम लोग। माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ये अपने पास 1/2 और ये अपने पास 1/2 एरिया, और हमें पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये सारी चीज़ें आधा आधा क्यों होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, 6 भागों में क्यों बांटता है, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया तो आधा आधा होगा, और ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी अगर है और ये अगर मीडियन है ए डी बी ई और सी एफ, तो इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं मैंने आपको बताए थे कि अपने पास ट्रायंगल की तीनों मीडियंस के सम के स्क्वायर का 4 गुना और साइड्स के स्क्वायर्स के सम के 3 गुना के बराबर होता है, तीनों माध्यिकाओं का सम का 4 गुना और तीनों साइड्स के सम के 3 गुना के बड़ा होता है। एक अपने पास राइट, अगर दोनों अपने पास राइट एंगल बनाएं दोनों मीडियन तो अपने पास रिजल्ट क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दी हुई है तो क्या होता है, अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में समझा दी। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ थोड़ी इसके बारे में समरी, और जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ये ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी यहाँ पर बना एंगल, इसके बाहर से हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं, उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इसके बारे में ये एक ही जगह क्यों मिलते हैं और ये सारी चीज़ें, इसको पूरा कंप्लीट जो मैंने समझाया है वो समझा दिया मैंने वीडियो में, उसमें आप लोग देखिए। और यहाँ पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस है,
मैं आप लोगों को समझाना ही ये चाह रहा हूँ या बताना ही ये चाह रहा हूँ, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऑर्थो सेंटर पर, ये तीनों याद रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, सर्कम सेंटर पर बना एंगल, इन सेंटर पर बना एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ है, बाहर की तरफ बना एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ है। ये आप लोग जो पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ग्रेविटी सेंटर पर बना एंगल, इन तीनों का तो याद कर लेंगे, 180 माइनस ए, ट्वाइस ऑफ ए, और ट्वाइस अपने पास 90 माइनस ए, और अंदर 90 प्लस हाफ ऑफ ए। लेकिन ग्रेविटी सेंटर पर बना एंगल क्या होता है, अगर एंगल ए दिया हुआ है तो ध्यान रखना एंगल ए देने के बाद ग्रेविटी सेंटर पर बना हुआ एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते। ये तीन आप लोग याद रखना, इन सेंटर पर, सर्कम सेंटर पर, और अपने पास जो लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर पर, ये तीनों आप लोग याद रखना। और इसके अलावा ग्रेविटी सेंटर पर बना हुआ एंगल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके साथ एक दो या तीन कंडीशन और अगर दी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि चारों सेंटर्स अगर स्केलन ट्रायंगल में एक साथ अगर आ जाएं तो कैसा डायग्राम बनेगा, तो क्या होता है, वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक कैसे बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक कैसे बनते हैं, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कॉन्ग्रेंसी या सर्वांगसमता पढ़ाने के बाद मैं ये वाला पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा। देखो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, सीखने की कोशिश करना इस प्रकार से, इसको एक बार हटाकर मैं आपको समझाता हूँ, इससे एक पॉइंट और ज़्यादा आपका क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप लोग, और कोशिश करना आप लोग समझने की, सभी लोग, इम्पोर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, सभी लोग कोशिश करना समझने की। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही और ज़्यादा समझ में आए। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। इस वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट, यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। इस एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाली लाइन इन सेंटर। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं तीसरा यहाँ पर नहीं लेकर, तीसरा एल्टीट्यूड और भी नहीं ले रहा हूँ मैं, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ दो दो से ही आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए और डायग्राम सही दिखाई दे। एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लू से हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर दिखाया है और ये है अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ उस पर परपेंडिकुलर हो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही परपेंडिकुलर, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और अपने पास इस प्रकार से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, आप लोगों को याद होगा कि जो अपने पास सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर होता है। सर्कम सेंटर जो बनते हैं अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर बनते हैं, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास हैं वो हमेशा और हमेशा साइड को बाइसेक्ट भी करेंगे प्लस उस पर परपेंडिकुलर भी होंगे, ये आप लोगों को पता होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग सर्कम सेंटर। और ये जो है अपने पास मीडियन जहाँ पर मिलती है, तीसरी मीडियन नहीं बना रहा हूँ, मीडियन जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ध्यान रखना हम लोगों ने ये जो ग्रीन कलर में दिखाया है, इस मार्कर से जो दिखाया है वो मीडियन है, माध्यिका है, और हम लोगों ने जो रेड से दिखाया है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, रेड से जो है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये चीज़ थोड़ा सही समझ में आए इसलिए मैंने अलग अलग मार्कर यूज़ किए हैं।
ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और अपने पास ये वाली जो लाइन है जो हम लोगों ने ब्लू से जो दिखाई है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर हैं। जो ब्लू से हम लोग देख रहे हैं ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। दोनों चीज़ में नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं खूब बार लिख चुका हूँ। ये माध्यिका है, ये अपने पास भुजालंब समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, और इसमें जो आपके पास ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है वो अपने पास एल्टीट्यूड्स हैं। ये मैंने आपको अलग अलग कलर में इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आज तक एसएससी ने इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन बहुत अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एसएससी भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और वो ये है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ओ जी और एस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ओ जी एस जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ओ जी और एस इन सेंटर को छोड़ दीजिए, चाहे स्केलन ट्रायंगल अपने पास हो, तो ओ जी और एस जो हैं वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ओ जी और एस जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर है वो 2:1 में बांटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो सभी लोग, यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, स्केलन ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज में ओ से जी तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो जी से एस तक की दूरी बताइए, तो जी से एस तक की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। ये इससे ज़्यादा हो गया तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड का भी नहीं है कि 2:1 में बांटता है। और अगर आपको ये रेशियो नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन बैठे बैठे वहां पर दिमाग लगाते रहो, आपसे ये वाला क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं ये बात करता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं, ये आपको पढ़ाने का तरीका पिछले 4-5 वीडियो देखने के बाद इतना आपको मेरे बारे में नॉलेज हो गया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जो भी आए उसका क्यों बता दो। तो जब हम लोग बेसिक पर 4 या 5 मिनट देते हैं ना, तो ये चीज आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाती है। बेसिक थोड़ा कम भी समझ में आए लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये आया कैसे, कोशिश करना समझने की। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। जब भी इस प्रकार से डायग्राम आप लोग अपनी नोटबुक में बना सकते हो, जब भी ऐसा है मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग इसमें बना सकते हो वापस अपनी नोटबुक में। लेकिन अकेले स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये चीज़ें नोटबुक में बनानी पड़ेंगी। देखिए ये यूलर लाइन जो है वो 2:1 में कैसे बांटती है वो चीज़ मैं समझाता हूँ। इधर ध्यान देना, बोर्ड पर सीखना आप लोग। ये मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मिड पॉइंट, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहाँ पर क्या है, बाकी चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपने बना लिया होगा इसको, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं आपको यूलर लाइन 2:1 में क्यों बांटती है क्योंकि मुझे ये समझाना है, तो जो चीज़ें काम की नहीं है उसको मैं एक बार हटा देता हूँ, जो काम की नहीं है उनको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको सही से अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान देना आप लोग, बोर्ड पर इतना मैंने बचा लिया इसको। अब एक चीज़ तो जब भी मैं प्रूव करता हूँ तो आपको 2 या 3 छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी आप लोगों को। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी एक लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों हमेशा पैरेलल होंगी। दो लाइन एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर अगर हैं तो वो हमेशा पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, ये लाइन में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यहाँ भी बता देता हूँ, ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं, संगत कोण अगर बराबर हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल। तो देखो ये भी 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाली लाइन और क्या ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होनी है क्या? और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कोण अगर थीटा होगा तो मुझे बताइए क्या ये कोण यहाँ पर जो बना ये क्या थीटा है क्या? मैं नाम देता हूँ ए, ये इसका ग्रेविटी सेंटर जी, ये अपने पास पी नाम दे दो, और इसको नाम दे दो मान लो एक बार क्यू। तो मुझे बताइए दोनों लाइन पैरेलल थी, अलग से डायग्राम बनाता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, सही समझ में आएगा। इस प्रकार से अपने पास है तो यहाँ से दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हों और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होना है क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए ये इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर है
और इसको ये अपने पास इसका सरकम सेंटर एस है और ये यहाँ पर इसका ग्रेविटी सेंटर जी है। तो मुझे ये बताइए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं क्या? इसको नाम दे रहे हैं ए, ये ओ है, जी, एस, और इसको नाम दे रखा है क्यू, और ये नाम दिया हुआ है पी। इसको भी मैं एक बार हटा दे रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ए ओ जी की और जी एस क्यू की बात कर रहा हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण, अपने पास दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ऑल्टरनेट एंगल सॉरी एकांतर कोण, जब दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, दो लाइन पैरेलल ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर हो तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। और दो ट्राइंगल के अगर तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं तो क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या? दो सिमिलरिटी में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगर यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आए तो सिमिलरिटी का मेरा जो वीडियो है जो आगे आने वाला है उसको देखकर आप लोग वापस से इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एंगल इसके बराबर क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये इसके बराबर ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और ये अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएँ समान अनुपात में होती हैं, सभी रेशियो सेम होता है, ग्रेविटी सेंटर ये अगर रेशियो अपने पास 2:1 है तो ये रेशियो भी अपने पास कितना होना है 2:1, इसीलिए ग्रेविटी सेंटर। अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो ध्यान रखना भुजाएं समान अनुपात में सेम रेशियो में होती हैं, और ये आता है सिमिलरिटी से या समरूपता से, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो रेशियो अपने पास 2:1 तो ये रेशियो भी 2:1, और यहां से यहां तक ये भी ध्यान दे लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये आ सकता है आपके सामने, ये यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक एस से यहां तक अपने पास 1 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ए से ओ तक की दूरी अगर अपने पास 40 सेंटीमीटर है, किसी ट्रायंगल में पॉइंट ए से अपने पास ओ तक की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर है तो सरकम सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस बताओ, तो ये कितनी होगी अपने पास 20 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। अभी तक बेस्ड क्वेश्चन तो जो ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन और अच्छा, ये भी मैंने समझा दिया, और इससे अच्छा क्वेश्चन भी अगर कभी एसएससी बनाना चाहेगा तो इस प्रकार से बना सकता है कि ये दूरी देखो रेशियो 2:1 तो तीनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये वाला अपने पास ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर, और ये वर्टिकली ये थीटा है तो ये थीटा अपने पास है थीटा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में, हमें पहले से याद है कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है 2:1, तो ये भी 2:1 और ये भी 2:1। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी अभी एसएससी ने तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, और भी अच्छा बनाना चाहे तो ए से दो इसकी दूरी अगर 2 है तो ये 1 होगा, ये 20 देकर ये पूछ सकता है, 40 देकर ये पूछ सकता है। तो बाकी अगला पॉइंट एक और मैं आपको समझाता हूँ, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके समझ में नहीं आए तो लास्ट रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उसको 2 बार 3 बार देखिए क्योंकि उसमें सर्कल भी काम में आएगा और ये सिमिलरिटी भी काम में आएंगी। यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं उसको 2 बार तो आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा सर कम समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार आप लोग फिर से देखिए। तो ध्यान दो, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो समझ पाए क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो मेरे भाई, जहाँ बैठे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, घर पर हो, बाहर हो, कहीं भी देख रहे हो, तो इसका हर क्यों का जवाब आप लोगों को मिलता जा रहा है, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वो रिजल्ट आप लोग मुझे बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ या ना आप लोगों को साथ साथ बोलते चलना है, और कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, वो तो याद रखना ही है, आया कैसे वो चीज़ अगर याद रखोगे तो आपको मज़े आएंगे आज की क्लास में पढ़ने में, ये वीडियो देखने में आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो टाइम मैंने लगाया इसमें मैंने कुछ नया सीखा। इसका अपने पास एक तो मान लीजिए ये इन सेंटर है और एक मान लीजिए सरकम सेंटर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर निकालना,
डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो एक तो इन सेंटर, एक सरकम सेंटर और डिस्टेंस बना दी। सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए आप लोगों को मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसा सर्किल क्यों खींच सकते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। इतना बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, यहीं क्लोज करके आप लोग वीडियो देखिए, पहले वाले जो मैं आपके लिए 3 या 4 या 5 जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक काम कीजिए, आई से इसको मिला दीजिए और इसको आगे मिला दो। ये जरूरी सी पर जाकर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसको आगे बढ़ाने। आई से डी को दोनों तरफ बढ़ाया, ये वाला मान लीजिए एक्स है और ये वाला मान लीजिए वाई है। ए से आई को भी मिलाकर बढ़ा दो, ए से आई को मिला दो और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ये मान लीजिए एम है। और जब मैं सर्किल आप लोगों को समझाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो, अगर दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, दो कोड सर्किल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करें तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के। दो कोड सर्किल के अंदर अगर कभी भी इंटरसेक्ट करें, ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ही समझाऊंगा। लेकिन अभी जो आगे के पॉइंट है, मैंने कहा है कि ज्योमेट्री कंप्लीट अपने पास एक लेसन है, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल अकेला ही है, कंप्लीट एक लेसन है। आगे की चीज़ें जो प्रूव करने के लिए आएंगी वो एक बार मैं यहाँ पर समझा दूंगा, जो यहाँ पर आपको याद करना है। जब ये पॉइंट खुद आएगा उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा कि ये रिजल्ट कैसे आया, कंक्लूजन कैसे आया, उस टाइम हम लोग बात कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर हेडिंग आपने डाल लिया होगा, लिख लिया होगा आपने, तो आप एक काम कीजिए, यहां से यहां तक ये सर्कल की दो कोर्ड्स ए से आई, आई से एम, अक्स से आई और आई से वाई, अगर ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो कोर्ड सर्कल की, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या अक्स आई इंटू आई वाई बराबर ए आई इंटू आई एम। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मुझे समझाना है, तो ये आपने लिख लिया होगा। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, तो कोशिश करो समझने की, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए आई इंटू आई एम, हम लोग लिख सकते हैं ए आई इंटू आई एम, ए से आई तक इंटू आई एम बराबर एक्स आई इंटू आई वाई। और सारे लोग देखकर मुझे ये बताओ क्या सर्कम सेंटर, ये अगर सर्कम सेंटर है तो सर्कम सेंटर से सर्कम फ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं क्या, सर्कम सेंटर से सर्कम फ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर कैपिटल आर है, इधर वाला भी कैपिटल आर है, तो मुझे बताओ ये अगर कैपिटल आर है तो अक से आई तक क्या कैपिटल आर माइनस डी होगा क्या। क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने पास सर्कम सेंटर सर्कल की जो रेडियस है परिवर्त की त्रिज्या, और सर्कम सेंटर से सर्कम फ्रेंस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर अगर है तो अक्ष से आई तक को हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस डी। हाँ ना बताओ, लिख सकते हो क्या अक्ष से आई तक को, ये टोटल आर है यहाँ तक अक्ष माइनस आई, ये आर है और ये डी है, तो अक वाई से वाई तक को लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस डी। और ये बात आप लोग समझ लेना, देखो अभी ध्यान दीजिए, ये कोण अगर थीटा है, ध्यान देना, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, क्यों, इसलिए होगा क्योंकि इन सेंटर जो है अपने पास, इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर से हमेशा मिलकर बनता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, अगर इसको हम लोग बी से आई को मिला दें, कोशिश करना सभी लोग, बी से आई को अगर हम लोग मिला दें तो ये वाला जो कोण है, जो अलग मार्कर से मैं आपके लिए दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए, कि ये वाला कोण अगर एक्स है तो ये वाला कोण भी एक्स होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इन सेंटर वाला वीडियो वापस देखिए, इन सेंटर बनता ही तब है जब अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले, तो ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। मुझे बताइए ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा भाई, ये जो कोण होगा, ये कोण थीटा है, ये एक्स है, आई ए बी की बात कर रहा हूं, ये थीटा है, ये एक्स है, तो क्या ये वाला जो कोण है ये थीटा प्लस एक्स होगा क्या। अगर आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार वापस से लिख देता हूं, ये वाला जो एंगल होगा अपने पास, ये यहां पर जो एंगल होगा वो अपने पास होगा थीटा प्लस एक्स, ये वाला कोण थीटा प्लस एक्स होगा। और मुझे बताइए इस आर्क द्वारा, ध्यान दो एक बार बोर्ड पर,
इस पॉइंट को समझ लो, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये कोण अगर थीटा है, सर्किल में ये चीज़ बताऊंगा, एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने कोण थीटा होते हैं, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो ये कोण देखो एक्स है, ये थीटा है, तो ये पूरा जो कोण हुआ थीटा प्लस एक्स और ये पूरा कोण थीटा प्लस एक्स, तो मुझे बताइए थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड बी एम, ध्यान दो इधर इस कोने में लिख रहा हूँ या यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड बी एम और क्या थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड आई एम, क्या दोनों बराबर होनी है क्या? थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड बी एम और थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड आई एम, तो आई एम जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह क्या हम लोग बी एम लिख सकते हैं क्या? तो आई एम की जगह ये लिख सकते हैं ए आई और आई एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी एम। कोशिश करना समझने की, ए आई इंटू बी एम, इसकी जगह हम लोग आई एम जो था उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं बी एम। और एक चीज़ ध्यान दो आप लोग, यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, यहाँ से इसको अगर इससे मिला दिया जाए, अलग मार्कर से मैं मिलाता हूँ आपके लिए, जैसे इससे अगर इसको मिला दिया जाए, मैंने पहले भी बताया, इसको मैं दो बार समझा दूंगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चीज़ को अगर समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी। ये एम पॉइंट, एन एम इधर ले लिया है तो इस पॉइंट को एन मान लीजिए और इसको इससे मिला दो, एन से इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये वाला कोण इस आर्क द्वारा ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा ही होना है क्या? तो ध्यान रखना ट्रायंगल ए और यहाँ से स्मॉल आर भी चाहिए, इसको सेंटर मानकर अंदर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं और वो सर्किल यहाँ पर आकर मिलेगा, मान लो एल पर, सर्किल यहाँ पर एल पर आकर मिलेगा तो ये 90 डिग्री। तो ध्यान रखना ए एल आई सिमिलर होगा, ध्यान रखना ट्रायंगल ए एल आई सिमिलर होगा किसके साथ? ट्रायंगल एन बी एम के साथ। ट्रायंगल ए एल आई जो है, ट्रायंगल ए एल आई जो है वो सिमिलर होगा एन बी एम के साथ। क्यों होगा वो चीज़ तो मैं एक बार समझा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ए एल अपॉन एन बी बराबर एल आई अपॉन बी एम बराबर अपने पास होगा ए आई बाहर वाली साइड अपॉन एन एम। ये सिमिलरिटी से कैसे लिख दिया वो चीज़, ये भुजाएं समान अनुपात में होती है, मैंने कहा है कंप्लीट ज्योमेट्री है तो इसमें सिमिलरिटी भी काम आ रही है, इसमें सर्किल भी काम आ रहा है। और सारे वीडियो देखने के बाद इसको जब एक बार आज देख लो, दोबारा देख लो और सारे वीडियोज देखने के बाद सिमिलरिटी कॉन्ग्रेंसी और सर्किल देखने के बाद वापस देखना, आपके ऐसा लगेगा कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज आप लोग जहाँ बैठे हो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि बाद की चीज़ें भी पहले आ रही हैं, सारे भी आज देखो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर देखो थोड़ा समझ में आएगा, सारे वीडियोस देखने के बाद इसको वापस देखना तो ये चीज़ आपको एकदम आसान लगेगी। और मुझे बताइए ए आई इंटू बी एम, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो यहाँ पर इंटू करोगे तो एल आई इंटू एन एम बराबर ए आई इंटू बी एम। और मुझे सभी लोग बताओ ए आई इंटू बी एम की जगह क्या ये लिखा जा सकता है क्या? एल आई इंटू एन एम, एल आई इंटू अपने पास बी एम, ए आई एल आई इंटू ये अपने पास एन एम आएगा ना, यहाँ पर बी एम और ए आई है, बी एम और ए, एल आई इंटू एन एम, एल आई इंटू एन एम बराबर इन दोनों को इंटू, एक बार प्लस माइनस एक बार प्लस, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये सिमिलरिटी कैसे आ गई ये चीज़ मैं अभी समझा रहा हूँ, एल से आई तक, एल से आई तक अंतर्वृत्त की त्रिज्या है तो स्मॉल आर, और एन से एम तक ये जो अपने पास ये इधर वाली भी रेडियस ये है अपने पास 2r बराबर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, और d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, और इसका रूट ले लेंगे हम लोग और यही हम लोगों को प्रूव करना था। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, सभी लोग कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा अपने पास अच्छा पॉइंट है तो सभी लोग कोशिश करना सीखने की। देखिए ध्यान दीजिए, मैं वापस से समझाता हूँ, पहले तो ये समझाता हूँ कि सिमिलर कैसे हुआ, फिर वीडियो में हमें पता है, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को वापस भी करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस समझाऊँगा और वापस समझाने वाला तरीका ही वापस देखना, फिर आप लोग
वापस रिपीट करके देखना चाहो तो बाद में रिपीट करके देख लेना। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ ये सिमिलर कैसे हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक इन सेंटर को सर्किल मानकर, सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल खींच सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करेगा, लेकिन वो सर्किल मैं यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, नहीं तो अपने पास डायग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं सिर्फ ये रेडियस बना रहा हूँ और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, अंदर की तरफ सर्किल खींचे तो रेडियस टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। यहाँ पर अपने पास ये 90 डिग्री है और ये अगर व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री। ध्यान रखना डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये चीज़ें क्यों होती हैं ये मैं समझाऊंगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 ही क्यों होता है मैं बताऊंगा। व्यास द्वारा बना कोण 90 ही क्यों हुआ ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो सर्किल आने दो, उसमें मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। सर्किल के पॉइंट्स हैं, अभी याद कर लो। ए के आर्क द्वारा बीएम द्वारा ये कोण अगर थीटा है तो इसके द्वारा डाला गया ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। इसके द्वारा इसमें कोण 90 डिग्री है और व्यास द्वारा एनएम व्यास है सरकम सेंटर से पास हो रहा है ये कोण 90 डिग्री होगा। तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही 90 और 90 तीसरा एंगल अपने आप बराबर और तीसरा एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिमिलरिटी में या समरूपता में बताऊंगा। तीसरा बराबर होते ही ट्रायंगल सिमिलर और सिमिलर ये सिमिलरिटी का साइन है और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में। एक बार पॉइंट मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा, क्योंकि क्लास में मुझसे कम से कम 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझसे वापस पूछते ही पूछते हैं कि एक बार समझा दिया पूरी क्लास को वापस उसको प्रॉब्लम आ जाती है लिखते टाइम, फिर पूरी क्लास को फिर समझाया, फिर किसी ने हाथ ऊपर किया कि वापस पूछता है ये वाला कोण थीटा कैसे आया। ये समझ लो, आप लोग भी जब देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा ये कोण थीटा कैसे आया। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये इन सेंटर है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर है, ये इन सेंटर है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर है तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, और इस आर्क द्वारा ए के आर्क द्वारा ये थीटा है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी अपने पास थीटा होगा। तो इसको एक बार मैं फिर समझाता हूँ। आई से एस तक की दूरी डी है, दोनों तरफ आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। एक सर्किल मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी सर्कल की अगर दो कोण्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये अपने पास P है, ये A और B, ये सर्किल में होता क्यों है वहाँ भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये आप लोग याद कर लीजिए। पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये याद कीजिए आप लोग। तो ए आई इंटू आई एम बराबर होगा अक्स आई इंटू आई वाई, ये लाइन कैसे लिखी समझ में आ गया। अक्ष से आई जो है ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल रेडियस है और ये डी है तो अक्ष आई होगा कैपिटल आर माइनस डी, और ये होगा कैपिटल आर है यहाँ तक कैपिटल आर प्लस डी, तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये अपने पास इन सेंटर से जाकर मिल रहा है तो एंगल बाइसेक्टर जो रेड कलर में दिखाया एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ध्यान दो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये थीटा प्लस एक्स है तो ये भी थीटा प्लस एक्स। ये यहाँ पर कोण थीटा है तो सेम आर्क द्वारा बना कोण ये भी थीटा, और ये एक्स है तो ये भी थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स और थीटा प्लस एक्स। तो इसके सामने की साइड ये यहाँ पर लिखा है, इसके सामने की साइड आई एम और इसके सामने की साइड बी एम दोनों बराबर होनी है, तो ए आई इंटू आई एम जहाँ पर था आई एम की जगह बी एम लिख दिया। और सिमिलरिटी अभी भी बता चुका हूँ, ए एल आई सिमिलर होगा एन बी एम के साथ, क्योंकि ये कोण थीटा ये थीटा ये 90 और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण यहाँ पर जो कोण होगा वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा इस ब्लू और इस रेड के साथ, ये व्यास द्वारा परिधि पर 90। तो दो कोण थीटा बराबर 90 बराबर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये लिख दिया। सिमिलरिटी से इसकी जगह जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये लिख दिया। एल से आई तक जो है वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है और आई एन से एम तक जो है वो आर और आर टू आर है। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगर आप लोग चाहो तो अंदर की तरफ एक सर्किल बना सकते हो, अब क्योंकि समझ में आ गया तो यहाँ पर एक सर्किल इस टाइप से आप लोग बना सकते हो जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा अंतर्वृत्त। तो फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप लोग इस टाइप से इसको बनाओगे। यहां पर अंदर की तरफ अगर बनाया तो इस मार्कर से मैं बना देता हूं, और इसका आप लोग जब भी पढ़ो तो मैं आपके लिए एक बार साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 या 3 बार आप लोग घर पर पढ़ना। तो ये मैंने पढ़ाया चारों सेंटर्स के बारे में एक साथ मैंने पढ़ाया ताकि कुछ चीजें आपके क्लियर हो। यूलर लाइन के लिए बारे में मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर क्या होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो
अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।